गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भ्रष्टाचार का किंग पिंग कहे जाने पर भड़के शरद पवार ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं याद दिला दूं कि आज जो आदमी देश का गृह मंत्री है वो ऐसा व्यक्ति है जिसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे तड़ी पार कर दिया था। आपको बता दें कि अमित शाह को 2010 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस में 2 साल के लिए राज्य से बाहर किया गया था, हालांकि 2014 में उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया। पवार ने इसी केस का जिक्र करते हुए उन पर पलटवार किया। गौरतलब है कि 21 जुलाई को पुणे में अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि विपक्ष हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार है। अगर देश में किसी भी सरकार में किसी राजनेता ने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया है तो वो शरद पवार ही है और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हालांकि इन तीखे बयानों के पीछे वैसे तो महाराष्ट्र में होने जा रहे हालिया विधानसभा चुनाव को वजह माना जा रहा है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी जो कि निजी हमलों में तब्दील हो चुकी है कहीं ना कहीं बदलते सियासी माहौल की तरफ इशारा कर रही है। बीजेपी के साथ और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ शरद पवार के रिश्ते हमेशा से ठीक रहे हैं। चुनावी माहौल में दोनों सीनियर नेताओं ने भले ही कटाक्ष किए हैं एक दूसरे पर, लेकिन वो कभी पर्सनल नहीं हुए। पर अमित शाह के साथ हो रही हालिया सियासी कुश्ती में राजनीतिक परिपेक्ष के अलावा निजी खुन्नस भी दिखाई दे रही है। क्या इसकी वजह अजीत पवार हैं जो पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं, या वजह कुछ और है? हालांकि शरद पवार कोई हल्के नेता नहीं है, वो कुछ भी यूं ही नहीं बोलते। अगर वो इस तरह की तीखी बयानबाजी कर रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी जिसका खुलासा अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चलकर इस पर से पर्दा जरूर उठेगा कि क्यों पवार शाह को लेकर इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।